हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाचो बेटी हेट मेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ हमारा 1 मंथ का जो कंप्लीट सीरीज था, 6 मंथ का तो कंप्लीट आज मैं करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ आपका होममेड हेयर शैम्पू, जो कि आप अपने बालों पर बनाकर यूज करोगे तो आपकी जो रिग्रोथ होगी वो बहुत ही जल्दी और सुपर फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना है, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज मिस कर देते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो बेनिफिट्स मिलेंगे आप लोगों को हर एक चीज का, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आपका अनियन सीड होम मेड हेयर शैम्पू। ठीक है, इसको आपको बनाना है और अपने बालों को, जितनी बार आप अपने बालों को हेयर वॉश करते हो आपको इसी शैम्पू से हेयर वॉश करना है। आपका हर महीने का शैम्पू चेंज होगा। आज मैं आप लोग के साथ में जो शेयर कर रही हूँ 1 मंथ की हमारी जो सीरीज है, 6 मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज, जिसका टारगेट है 50 इंच। हमारे हेयर को लॉन्ग करने का जो टारगेट है हमारा 50 इंच है। आप अगर प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है 50 इंच का 6 मंथ के अंदर, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें फॉलो करोगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, यहां तक बातें अच्छे से क्लियर हो गई। मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है आपकी सारी रेमेडीज, आपको जो 6 मंथ का जो चैलेंज चल रहा है 1 मंथ में आपको क्या क्या चीजें करनी है, मैं एक एक महीने का लेकर चल रही हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग हर एक चीज को अच्छे से करें। ठीक है, आज हमारा इस सीरीज का 1st मंथ कंप्लीट हो जाएगा। आप बनाइए इन सारी चीजों को और स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट्स देखिएगा कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो शैम्पू उसको कैसे बनाना है, उसके बाद से मैं मिलती हूँ। ठीक है ना, सो गाइस चलिए देख लेते हैं हमारा जो होममेड शैम्पू है आपका सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ। देखो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, रिजल्ट्स आपको तभी अच्छे मिलेंगे। मैं आप लोग के साथ में इनके सबके एप्लीकेशन एक एक वीडियो में करके दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो आज मैं आप लोग के साथ में जो शैम्पू शेयर कर रही हूँ हमारे अनियन सीड का है। अनियन सीड आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में आपको अपनी डाइट भी अच्छी लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, दही लेनी है, छाछ लेनी है। ठीक है, आप दही का रायता ले सकते हो, एक कटोरी दही आपको सुबह शाम जरूर खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शाम को दही नहीं खाते हैं, तो वो दिन में अपना 2 बार 3 बार दही ले लें, छाछ ले लें। ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद से आप स्मूदी ले सकते हो, बनाना शेक ले सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे शेक हैं मार्केट में वो ले सकते हो, स्मूदी ले सकते हो, पुडिंग ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आप अपने लिए बहुत सारी दूध से बनी ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हो, रूह अफ़ज़ा ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप शिकंजी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप ले लीजिए और आपको दिक्कत भी नहीं होगी और गर्मी भी नहीं होगी, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जब हमारा बाल अच्छे रहेंगे तभी हमारी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत अच्छी लगती है, हमारा लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके सर पर बाल नहीं है, आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अच्छा नहीं लगता जब तक आपके बाल ना हो, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा केयर करो आप लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो हार नहीं मारना चाहिए, बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए और खुद से अपने आप से आप चैलेंज करोगे तो हर एक चीज को कर सकते हो। अगर आप खुद से चैलेंज नहीं करोगे, आप सोचोगे अरे यार थक गए भैया हम करते करते, तो ये चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने पैन रख दिया है, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आपको नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको इसमें थोड़ा सा अपना एप्पल साइडर विनेगर डालना है और उसके बाद से 1 चम्मच, ये रात में बनाकर रखना है पानी, 1 चम्मच इसमें आपको अजवाइन डालना है। हाँ जी, अजवाइन डालना है। ठीक है, और या फिर आप अजवाइन का पाउडर बना करके इस कलौंजी वाले सीड्स में ऐड कर सकते हो। आपको पता है अजवाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। अजवाइन के एसेंशियल ऑयल आते हैं जिसको हम थाइम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का पैसा लगेगा, देखिए आप लोग करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ की बिना 1 रुपये खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए आपको बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप लगाओगे, कोई भी चीज़ लगाओगे आप, आपको वो चीज़ें खरीदनी है, लानी है, है ना। तो जिस तरीके से आप कपड़े पे पैसे खर्च करते हो, मेकअप पे पैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने पैसे अपने बालों पर खर्च कीजिए और उसको बनाकर यूज़ कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच अपना अजवाइन डाल देना है रात में और 1 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है। 1 गिलास पानी लीजिएगा, जितना आपको पानी लगे उतना ले लीजिएगा। ठीक है, उसको ढक करके फॉइल पेपर से रख दीजिएगा। सुबह उठकर पैन लेना है, पैन में आपको गरम करना है पानी, वही वाला जो आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और उसमें आपको अपना अनियन सीड डाल देना है, आधा कप
या चम्मच से बता दूँ तो 3 से 4 चम्मच लेना है, जो हम खाने वाला चम्मच होता है ना उस चम्मच की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद से इसमें जो एसेंशियल ऑयल आप यूज़ करोगे वो आप पेपरमिंट की 20 ड्रॉप्स यूज़ करोगे। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ, जिनके पास नहीं है चीज़ें वो ना डालें और जिनके पास चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। जिनके पास पेपरमिंट का ऑप्शन नहीं है तो वो तुलसी का 4 से 5 चम्मच जूस डाल सकते हैं, तुलसी जूस, ठीक है। मिंट लीव्स जो होती है वो भी डाल सकते हो आप, मिंट लीव्स को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए, धोने के बाद से थोड़े से पानी के साथ में उसको ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करने के बाद से छान के आप उसका वाटर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, ठंडक मिलेगी आपके स्कैल्प को, गर्मी नहीं लगेगी, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सर में दाने निकल जाते हैं, है ना, बहुत इचिंग होती है, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो बाल हैं हम अपने बालों की केयर कर रहे, रिग्रोथ पर फोकस कर रहे, तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इतनी नई नई रेमेडीज़ कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल चैनल पर हटकर यूट्यूब पर पहली बार ये सारी चीज़ें मैं इतनी अच्छी तरीके से आप लोग को डिटेल में शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप दीदी 6 मंथ सीरीज कीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो आज आपका मैंने शैम्पू शेयर कर दिया है, इस तरीके से हमारा जो 6 मंथ का 1 मंथ कंप्लीट होता है, सारी रेमेडीज चली गई हैं, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच, जब अच्छे से बॉयल हो जाए 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आपको 2 चम्मच व्हाइट एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। एप्पल साइडर विनेगर आप कोई भी ले सकते हो, मार्केट का कोई भी ले सकते हो, जो आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जो लोग थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं, 1200-1300 रुपए का लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक पिक लगा दूंगी, तो आप लोग वो वाला एप्पल साइडर विनेगर लोगे तो आपको बहुत ही जल्दी हेयर फॉल से, जो जिनको हेयर फॉल की समस्या होती है ना, वो जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को उन सबकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो जो एप्पल साइडर विनेगर है वो अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं उनके, क्योंकि मेरे पास कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से कंटिन्यू करा हुआ है, रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उन लोगों को थोड़ी सी पैसे की जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, तो वो लोग सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उनके। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पानी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और पानी डाला और कलौंजी को उबाल कर यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं करना, अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है, फॉलो करना है, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू। आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू ऐड कर सकते हो, जो शैम्पू आप यूज़ करते हो, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। अगर आपको कोई शैम्पू चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो खादी का शैम्पू, आप हिमालय एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ कर सकते हो, हिमालय का हिबिस्कस शैम्पू आता है वो यूज़ कर सकते हो आप मेरा क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ कर सकते हो, मिल्क प्रोटीन आलमंड ऑयल के साथ में आता है वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे शैम्पू हैं ये, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सबको मैंने बताया हुआ है, कुछ लोगों को पहले सूट नहीं करता था, अब ये सारी चीज़ें सूट करने लगी हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसमें टाइम लगता है वो चीज़ें आपको सूट करने में और इफ़ेक्ट करने में, तो बस यहाँ पर हम इसको शैम्पू को डाल देंगे, और शैम्पू को डालने के बाद से हम अपने बालों को इसी वाटर से वॉश करेंगे। तो हमारा यहाँ पर शैम्पू जो है बन के रेडी है, तो आप लोग इसको बनाकर यूज़ कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो में बस इतना ही था, आप लोगों को मैं डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर ये समझा देती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज़ हो रहे हैं। कल मेरे पास बहुत सारे DM भी आए थे कि दीदी आप लास्ट की जो शैम्पू की वीडियो डालोगे तो उसमें आप ज़रूर मेंशन कर देना कब क्या चीज़ें कैसे यूज़ करनी, तो मैं आप लोग को डे वाइज बता दूंगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे, और उसको आपको कांच के जार में 15 से 10 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको नॉर्मल थोड़ा सा बनाइए 1 हफ्ते के लिए, और हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करते तो हफ्ते में ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती, कभी भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए फेस टू फेस बात कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं क्या कैसे यूज़ करना। सो गाइस, देखा आपने हमारा जो शैम्पू है वो कम टाइम में और कितनी जल्दी अच्छे तरीके से बनके रेडी हो गया है, तो आपको इसको यूज करना है। कितना भी ज्यादा ऑयल है आपके बाल में आराम से निकल जाएगा, एक बार में नहीं निकलता है, दोबारा लगाइए, दोबारे बार में जब आप दूसरी बार लगाओगे, सेकेंड टाइम जब आप लगाओगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी तरीके से आप अपने बालों को हेयर वॉश कीजिए, उसके बाद से आप अपने बालों में रिंस वाटर यूज करोगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग के साथ में जो शैम्पू शेयर करी हूँ ये चीज आपको बनाना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं उस चीज पे जिस चीज पे आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो ये टोनर है,
टॉनिक है, रिंस वाटर है, नाइट हेयर पैक है, जेल है, कैसे कब चीजें क्या यूज करनी है, तो आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देती हूँ आप लोगों की। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे अपना सीरम और अपना टॉनिक। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करते हैं लाइक दिस। अगर आपने अपने बालों को हेयर वॉश किया है मंडे में, ठीक है, मंडे में आपने हेयर वॉश किया, उसके बाद आप अपने बालों में रिंस वाटर यूज करोगे। ठीक है, एक बकेट लेना है, उसमें आपको पानी डालना है और बकेट को पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आपका जो रिंस वाटर आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है, एक कप डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और अपने पूरे बालों को शैम्पू के बाद पूरे बालों को पानी से अच्छे से धो लेना है, जिसका फॉर्म है उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद से लास्ट में आपको अपने पूरे बालों को उसमें डिप करना है। ठीक है, ये है, हो गया आपका रिंस वाटर। उसके बाद टॉवल से रैप करना है, रैप करके अपने बालों को ड्राई आउट करना है। ड्राई आउट करने के बाद से आप अपने बालों में यूज करोगे अपना टोनर, जो मैंने शेयर किया हुआ है 6 मंथ का, 1 मंथ में जो कंप्लीट आपका सीरीज गई हुई है वो आपको यूज करनी है। ठीक है, टोनर यूज करने के बाद आपको अपने बालों में 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जैसे आपके पास टाइम हो, जिस तरीके से आप कर सको मैनेज उस तरीके से, उसके बाद आपको अपने बालों में लगाना है आपका हेयर ऑयल। ठीक है, अच्छे से कॉम किया, फ्रंट हेयर में कॉम कीजिए, देख सकते हो मेरे बाल, बेबी हेयर कितने सारे आ गए। और ये जो बाल होते हैं, जब आपके बाल अभी यहाँ पर है, जब ये बाल आपके यहाँ आएंगे तो आपकी जो चोटी है ना वो इस टाइप की हो जाएगी, हमारी रिस्ट की जैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे बाद आप अपने बालों में तेल लगाइए, 1 घंटे बाद लगाइए, शाम को लगाइए, जब भी आप लगा रहे हो तब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको ऑयलिंग करनी है। मंडे में ही आपका हेयर वॉश हो गया, रिंस वाटर हो गया, टोनर लग गया और आपका ऑयल हो गया। मंडे ऑयल रहेगा, ट्यूजडे ऑयल रहेगा, ठीक है, 2 दिन ऑयल रहेगा, बीच में आप कंघी कीजिए, टोनर लगाइए, कभी भी किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे दिन लाइक आप वेनसडे को हेयर वॉश करोगे, तो वेनसडे को हेयर वॉश करने से पहले आपको अपने बालों में जेल लगाना है, नाइट हेयर पैक लगाना है, टॉनिक लगाना है या फिर सीरम लगाना है, जो भी चीज आपको समझ में आए वो प्रिपेयर कर लीजिए, जो इजी लगे आपको वो लगाना है। चारों में से कोई भी एक चीज आपको लगानी है अपने बालों में 1 दिन पहले, हेयर वॉश के 1 दिन पहले, उसके बाद से आपको मॉर्निंग में उठकर हेयर वॉश करना है। ठीक है, हेयर वॉश करने के बाद फिर सेम आपको वही करना है, रिंस वाटर यूज करना है, आपका टोनर यूज करना है, फिर आपको अपना पैक यूज करना है। यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी हुई थी, मेरे पास उनका पर्सनली मैसेज आया था, ईमेल आया हुआ था, तो आप लोगों की जितने भी जो डाउट्स थे, छोटे छोटे जो क्वेरीज थी, वो सारी मैंने क्लियर कर दी है। अब इन सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए, करने का तरीका मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दिया है। अब आपका 1 मंथ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आप लोग के साथ में जो कंप्लीट हमारी सीरीज है 2nd मंथ में हम लोग चलेंगे, उसमें जो आपकी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।